इन्फो फॉर पेशेंट। रिट्रोग्रेड का मतलब ये है कि ये सारी सर्जरी बगैर कट के होती है, बगैर चीरे के होती है और पेशाब की नाली के थ्रू होती है। RIRS है कैमरे के साथ एंडोस्कोपिक पेशाब के रस्ते के जरिए पथरी का ब्रेक करके रेत की तरह डस्ट बना के निकालना, तो पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है और पेशेंट डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है अनलेस के इन्फेक्शन वगैरह से। बेसिकली गुर्दे के अंदर की जो पथरी होती है इसका साइज तकरीबन 2 सेंटीमीटर या 0.5 to 2 सेंटीमीटर के जो स्टोन है वो हम RIRS से ऑपरेट कर लेते हैं। और इवन के गुर्दे की अगर साइडों पर पड़ी हो जिसका पोल्स कहा जाता है, अपर पोल, मिडल पोल, लोअर पोल, तो ये भी सारी अप्रोच हम RIRS के थ्रू कर लेते हैं। अगर वो कहें 2 सेंटीमीटर साइज है रीनल पेल्विस में या गुर्दे के अंदर स्टोन पड़ा हुआ है और उसके साथ गुर्दे की रुकावट भी हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये स्टोन है जिसको हम RIRS लेजर के जरिए इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड खुद मद्देनजर रखें और 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर गुर्दे के अंदर जो स्टोन पड़ा हुआ था तो उसको जज करके आप रब्ता कर सकते हैं। 2.5 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा हो तो वो बड़े स्टोन होते हैं, उसमें RIRS की निस्बतन उसके एफिकेसी कम है। उसके अंदर हम PCNL एक प्रोसीजर होता है जिसमें कैमरे से गुर्दे तक अप्रोच किया जाता है, गुर्दे के अंदर डायरेक्ट पंक्चर करके, वो भी बगैर कट के होती है। इसमें एक पेंसिल टिप जितना सुराख होता है, एक या मैक्सिमम 2 टांके लगते हैं। RIRS में तो कैमरा पेशाब के रस्ते के अंदर से चला जाता है ना। अब गुर्दे के ऊपर से जो पथरी निकालनी है तो उसमें कैमरा ऊपर से गुर्दे के अंदर डायरेक्ट डालना पड़ता है। बेसिकली गुर्दे के अंदर डायरेक्ट गुर्दे के अंदर सुराख करके पथरी बेसिक टेस्ट है CBC, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन। अक्सर लोग क्योंकि डॉक्टर की फीस ज्यादा है वो समझते हैं जी कि हम ये अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया, हम CT भी करवा, हम एक ही बार डॉक्टर के पास जाएं तो हमारी 3,000 जो चेक करने की फीस वो बच जाए। अक्सर डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो एक बार चेक करके बाद में रिपोर्ट फ्री देख लेते हैं। कुछ ही हैं जो कि रिपोर्ट के भी बाद में चार्ज करेंगे। तो इसमें आप फुल एतमाद करके, मैं तो कम से कम आप एक बार आएंगे तो मैं 3 से 4 दिन का टाइम इवन के हफ्ते तक का भी मैंने रखा होता है कि अगर उसके अंदर आप रिपोर्ट चेक करवा दें दोबारा आके तो वो मैं चार्ज नहीं करता। तो इसमें हत्तल अमकान कोशिश की जाती है कि स्टोन को कंप्लीट तौर पर क्लियर किया जाए, यानी कि वही पेशेंट RIRS से ऑपरेट किया जाए जो कंप्लीट क्लियर हो सकता है। जो नहीं हो सकता तो उसको हम सीधा ऑप्शन ही पीस, सारी उम्र पथरी बनने का चांस दोबारा जरूर होता है, तो उसको उसकी एहतियातें मुतवातर की जाती हैं कि पानी ज्यादा पिए, नमक का इस्तेमाल कम करें, वॉक करें, फिजिकल एक्टिविटी रखें, एक्सरसाइज करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, स्मोकिंग कम करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। तो ये सारी एहतियातें हैं ताकि पथरी दोबारा ना बने। तो स्टेंट निकलवाने के लिए आना पड़ता है, DJ एक स्टेंट होता है उसका, ये OPD बेसी होता है, OPD बेसी प्रोसीजर होता है। इसको निस्बतन हम छोटा सा एनेस्थीसिया, शॉर्ट एनेस्थीसिया देकर निकालते हैं और उसके बाद घंटे बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे पेशेंट को हॉस्पिटल स्टे करना होता है, लेकिन उसके बाद रिकवरी में रख के पेशेंट को रूम में नहीं एडमिट करते, वहीं से घर भेज देते हैं। RIRS कॉस्टली ऑपरेशन है, इसके अंदर लेजर यूज होती है, 2.5 लाख तक से प्रोसीजर ये शुरू होता है, इसकी कॉस्ट के हिसाब से फिर आम सर्जरी की निस्बतन ज्यादा है इसके चार्जेस, क्योंकि देखें कट के बगैर, लेकिन एक लिहाज से कॉस्ट इफेक्टिव है। इसको आप ये ना समझेंगे, देखें एक पेशेंट ने अगर आ जाना है और रात को घर चले जाना, कट के बगैर हुआ है बंदा अगले दिन अपने काम पे जा रहा है, अपनी प्रोडक्टिव लाइफ गुजार रहा है, तो मैं इसको नहीं कहूंगा कि ये कॉस्टली है, ये दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर। सर्दियां गर्मियां पानी ज्यादा पिए, ऑफिस में जहां पे भी आप अपना पानी साथ रखें, बाकी फिजिकल आप फौरन ऑनलाइन मशवरा लें और उसके इलाज की तरफ जाएं, ना कि आप तो हमारे पास गुर्दे फेलियर के साथ पेशेंट आ जाते हैं, फिर तो कर भी कुछ नहीं सकते। मेरा यही पैगाम है कि इसकी जो ही डायग्नोज हो तो इसको पता लगे कि दर्द हो रही है गुर्दे की, तो फौरन ज़हन के अंदर होना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर अल्ट्रासाउंड किसी मुस्तनद जगह से नहीं मिल रहा तो आप नेट से एक्सप्लोर करके उसको अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चेक करवा के अल्ट्रासाउंड करवा के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एवर केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर अतर महमूद साहब के साथ हैं जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और एवर केयर में भी अपनी खिदमात एज ए प्राइवेट के तौर पर सर अंजाम देते हैं। RIRS के बारे में पूछते हैं। जी सर, RIRS क्या है, ये किस तरह प्रोसीजर होता है और किन मरीजों का किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मेरा आपको इंट्रोडक्शन करवाने का। अच्छा, ये RIRS प्रोसीजर जो है ये बेसिकली इसको RIRS रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी कहा जाता है। रिट्रोग्रेड का मतलब ये है कि ये सारी सर्जरी बगैर कट के होती है, बगैर चीरे के होती है और पेशाब की नाली के थ्रू होती है, जिसमें कैमरा पेशाब की नाली के थ्रू गुजार के हम किडनी तक पूरे पहुंच सकते हैं। जो RIRS बड़ी एक जदीद टेक्नोलॉजी है, पिछले कोई 7 से 8 साल के अंदर इसको पाकिस्तान में मुतारफ हुई है, इससे पहले पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं थी। जब से लेजर आया हर चीज में, जिस तरह आप जगह जगह स्किन के क्लिनिक्स देखते हैं कि लेजर अवेलेबल है, इसी तरह लेजर का इस्तेमाल बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, इसका हर शोबे में आ रहा है। इसके साथ साथ गुर्दे मसाने की सर्जरी में बहुत जिद्दत के साथ इसका इलाज आया। RIRS है कैमरे के साथ एंडोस्कोपिक पेशाब के रस्ते के जरिए पथरी का ब्रेक करके रेत की तरह डस्ट बना के निकालना। और ये जो सर्जरी होती है ये टोटल डे केयर के तौर पर होती है कि अगर पेशेंट सुबह 10 बजे या 11 बजे ऑपरेट करते हैं तो शाम को हम इसको घर भेज सकते हैं, अगर 2 बजे या 4 बजे भी भेज सकते हैं तब भी रात को घर भेज सकते हैं। अनकम्प्लिकेटेड, इसके अंदर कोई रूटीन की जो कट की जो पेचीदगियां हैं वो कोई नहीं है। हाँ अलबत्त इन्फेक्शन का खतरा जरूर होता है, उसके लिए हम प्री ऑप कल्चर जरूर करवाते हैं, यूरिन का कल्चर टेस्ट। कल्चर टेस्ट कराने के बाद उसकी एंटीबायोटिक उसको दे के फिर उसका ऑपरेशन किया जाता है और उसके मुताबिक उसकी दवाई दी जाती है। इसके लिए जो जो बाकी एहतियातें हैं वो मद्देनजर रखी जाती है। तो पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है और पेशेंट डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है अनलेस के इन्फेक्शन वगैरह से बचा जाए, यानी कि प्रॉपर एंटीबायोटिक और प्रॉपर डॉक्टर से मशवरा करके मिलके और प्रॉपर उसकी हिदायत पे अमल करके ऑपरेशन करवाया जाए। किस पथरी के लिए ज्यादा रिकमेंड किया जाता है? ये गुर्दे के अंदर जो पथरी
आर्टरी होती है ये अपर यूरेटर और गुर्दे के अंदर। अपर यूरेटर का तो हम यूरेटोस्कोपी से अप्रोच कर लेते हैं, ये बेसिकली गुर्दे के अंदर की जो पथरी होती है इसका साइज तकरीबन को 2 सेंटीमीटर या 0.5 टू 2 सेंटीमीटर के जो स्टोन है वो हम आरआईआर से ऑपरेट कर लेते हैं। 2.5 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। पेल्विस के अंदर जो गुर्दे के जो मुंह है, जब समझ लें कि गुर्दे की जो पेल्विस है जहां पे यूरिन बन के बाहर निकलता है उसके अंदर जो पथरी है, और इवन के गुर्दे की अगर साइडों पे पड़ी हो जिसका पोल्स कहा जाता है अपर पोल मिडिल पोल लोअर पोल, तो ये भी सारी अप्रोच हम आरआईआरएस के थ्रू कर लेते हैं। यानी कि पेशाब की नाली के अंदर पेशाब की नाली से लेकर गुर्दे तक की सारी पथरी आरआईआरएस और आजकल लेजर के जरिए हर चीज अप्रोच की जा सकती है। अगर सर कोई आपकी वीडियो देख के आना चाहे कैसे अपने आप को वीडियो देख के ये समझ सकता है कि मेरे पथरी आरआईआरएस के जरिए निकल सकती है? अल्ट्रासाउंड सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट है अल्ट्रासाउंड है। यूरोलॉजिस्ट की सहूलत हर जगह तो अवेलेबल नहीं होती। लाहौर शहर है जहाँ पे आपको यूरोलॉजिस्ट हर बड़े हॉस्पिटल में मिल जाएंगे, तो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी यूरोलॉजिस्ट एक एक होता है, वो इतनी पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर सकते, तो जनरल फिजिशियन के पास ही लोग जाते हैं या जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो जो ही अल्ट्रासाउंड आए अल्ट्रासाउंड के ऊपर खुद ही देख लें कि पथरी का साइज कितना है। अगर वो कहें 2 सेंटीमीटर साइज है रीनल पेल्विस में या गुर्दे के अंदर स्टोन पड़ा हुआ है और उसके साथ गुर्दे की रुकावट भी हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये स्टोन है जिसको हम आरआईआरएस लेजर के जरिए इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड खुद मद्देनजर रखें और 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर गुर्दे के अंदर जो स्टोन पड़ा हुआ है तो उसको जज करके आप रब्ता कर सकते हैं। 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा पथरी हो उनका इलाज नहीं? समझ गया हूं, अच्छा सवाल किया आपने बड़ा। 2.5 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा हो तो वो बड़े स्टोन होते हैं, उसमें आरआईआरएस की निस्बतन उसके एफिकेसी कम है। उसके अंदर हम पीसीएनएल एक प्रोसीजर होता है जिसमें कैमरे से गुर्दे तक अप्रोच किया जाता है, गुर्दे के अंदर डायरेक्ट पंक्चर करके, वो भी बगैर काट के होती है। इसमें एक पेंसिल टिप जितना सुराख होता है, एक या मैक्सिमम 2 टांके लगते हैं, तो उसके अंदर हम गुर्दे तक डायरेक्ट कैमरा डाल के और वो लेजर या हमारे पास जो भी स्टोन ब्रेकेज का सामान अवेलेबल है उससे स्टोन ब्रेक करके हम सक आउट कर लेते हैं। सर आरआईआरएस और पीसीएनएल जिसका भी आपने जिक्र किया इसमें मेन फर्क क्या है? आरआईआरएस है टोटल ट्यूबलेस, यानी कि बगैर कट के बगैर किसी ट्यूब के, यानी कि सिंपल लफ्जों में कहा जाए कि थोड़ा सा भी इंसीजन या टक नहीं होता और चीरा नहीं होता। जो पीसीएनएल है उसमें तकरीबन 1 टांके का स्टिच जरूर होता है क्योंकि उसमें कैमरा हमें गुजारने के लिए। आरआईआरएस में तो कैमरा पेशाब के रस्ते के अंदर से चला जाता है। अब गुर्दे के ऊपर से जो पथरी निकालनी है तो उसमें कैमरा ऊपर से गुर्दे के अंदर डायरेक्ट डालना पड़ता है। बेसिकली गुर्दे के अंदर डायरेक्ट गुर्दे के अंदर सुराख करके पथरी को अप्रोच किया जाता है। लेकिन जो आरआईआरएस है वो पेशाब के रस्ते से है, पीसीएनएल गुर्दे के अंदर। आरआईआरएस के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं? आरआईआरएस बेसिक जो टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन आजकल बड़ी मॉडलिटी जो हर जगह अवेलेबल है गुर्दे का, सीटी स्कैन ये बहुत जरूरी है, और यूरिन का टेस्ट और खून का टेस्ट सीबीसी, इसमें इन्फेक्शन को चेक किया जाता है यूरिन का टेस्ट और सीबीसी की मदद से। ये बेसिक टेस्ट है सीबीसी यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन। खुद नहीं करवाना चाहिए सीटी स्कैन, आप मुस्तनद डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट से मिलकर आप सीटी स्कैन करवाएं। कॉस्टली टेस्ट है, उसकी कीमत कोई 15,000 से 20,000 रुपए प्राइवेट सेक्टर में है और पब्लिक सेक्टर में भी 5,000 रुपए लग जाता होता है उसका, तो इसलिए वो आप डॉक्टर से मिलकर यूरोलॉजिस्ट की राय लेके फिर ही सीटी स्कैन करवाएं। अक्सर लोग क्योंकि डॉक्टर की फीस ज्यादा है वो समझते हैं जी कि हम ये अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया हम सीटी भी करवाएं, हम एक ही बार डॉक्टर के पास जाएं तो हमारी 3,000 जो चेक करने की फीस वो बच जाए। अक्सर डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो एक बार चेक करके बाद में रिपोर्ट फ्री देख लेते हैं, कुछ ही हैं जो कि रिपोर्ट के भी बाद में चार्ज करेंगे। तो इसमें आप फुल एतमाद करके, मैं तो कम से कम आप एक बार आएंगे तो मैं 3 से 4 दिन का टाइम इवन के हफ्ते तक का भी मैंने रखा होता है कि अगर उसके अंदर आप रिपोर्ट चेक करवा दें दोबारा आके तो वो मैं चार्ज नहीं करता। तो इसलिए आप एक बार डॉक्टर से मिलकर सीटी स्कैन तजवीज़ कराएं और फिर डॉक्टर को, आजकल व्हाट्सएप अवेलेबल है आप उसके ऊपर भी भेज सकते हैं। और सर जब एक दफा पीसीएन आरआईआरएस कर दिया जाता है क्या इसके बाद खदशा होता है कि उसमें कुछ आरआईआरएस और पीसीएनएल की, बेसिकली इसमें हमने स्टोन को अप्रोच करना है स्टोन लेजर ने तोड़ना है, तो इसमें हत्तल अमकान कोशिश की जाती है कि स्टोन को कंप्लीट तौर पे क्लियर किया जाए, यानी कि वही पेशेंट आरआईआरएस से ऑपरेट किया जाए जो कंप्लीट क्लियर हो सकता है, जो नहीं हो सकता तो वो उसको हम सीधा ऑप्शन ही पीसीएनएल की देते हैं। तो सर जब एक दफा आरआईआरएस कर दिया जाता है क्या दोबारा मरीज को पथरी होने का खदशा होता है? स्टोन अगर बड़ा 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो 2 सेंटीमीटर फिर उससे बड़ा होना शुरू होएगा तो फिर वो स्टोन कुछ रहने का भी चांस होता है और दोबारा काफी जो रहेगा तो वो पेशेंट तो ये समझता है कि दोबारा हुआ है, वो निस्बतन वो कभी पहले भी आ चुका होता है। और स्टोन की जो रिकरेंस आपने पूछा है सवाल के, बार बार जो भी एक पथरी का पेशेंट होता है उसको सारी उम्र पथरी बनने का चांस दोबारा जरूर होता है, तो उसको उसकी एहतियातें मुतवातर की जाती हैं कि पानी ज्यादा पिए, नमक का इस्तेमाल कम करें, वॉक करें, फिजिकल एक्टिविटी रखें, एक्सरसाइज करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, स्मोकिंग कम करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, तो ये सारी एहतियातें हैं ताकि पथरी दोबारा ना बने। सर जब सर्जरी कर दी जाती है तो क्या मरीज को दोबारा फिर आना पड़ता है? नहीं, सर्जरी अगर कर दी जाए तो स्टेंट निकलवाने के लिए आना पड़ता है। डीजे एक स्टेंट होता है उसकी एक अलग डिटेल है वो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। वो स्टेंट निकलवाने के लिए दोबारा पेशेंट को आना होता है। तो वो सर कितनी देर बाद? वो तकरीबन 3 हफ्ते के अंदर अंदर निकालना होता है, लेकिन वो निस्बतन माइनर उसके अंदर आता है कि पेशेंट आता है और 1 घंटे के अंदर वो टाइम दिए गए टाइम पे आएगा, ज्यादा से ज्यादा घंटा या 1.5 घंटा वेट करके फिर वो स्टेंट निकलवा के घर चले जाते हैं। तो सर ये जो स्टेंट निकलता है ये ओपीडी बेसी होता है? ये ओपीडी बेसी प्रोसीजर होता है, इसको निस्बतन हम छोटा सा एनेस्थीसिया शॉर्ट एनेस्थीसिया देके निकालते हैं और उसके बाद घंटे बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे पेशेंट को हॉस्पिटल स्टे करना होता है। ये ऑफिस में ही निकाल दिया जाए? हाँ, नहीं ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद रिकवरी में रख के पेशेंट को रूम में नहीं एडमिट करते, वहीं से घर भेज देते हैं एज
कम्पेयर टू अदर सर्जरी कितना एक्सपेंस होता है? आर ई आर कॉस्टली ऑपरेशन है, इसके अंदर लेजर यूज होती है, साफ़ है, उसकी वजह से इसकी कॉस्ट ज्यादा है। तकरीबन कोई रफली अगर देखा जाए तो 2.5 यानी कि समझ लें कि 2.5 लाख तक से प्रोसीजर ये शुरू होता है इसकी कॉस्ट। फिर उस हिसाब से फिर पथरी का साइज, फिर उसके बाद उसकी अगर हमने एक दिन रखना है रूम उसके हिसाब से, तो इसकी मुख्तलिफ सेंटर्स में मुख्तलिफ रेट है, लेकिन रूटीन में ये 2.5 से इसका शुरू होता है चार्जेस। आम सर्जरी के नस्बत इतने ज्यादा है इसके चार्जेस, क्योंकि देखें कट के बगैर, लेकिन एक लिहाज से कॉस्ट इफेक्टिव है। इसको आप ये ना समझेंगे, देखें एक पेशेंट ने अगर आज आना है और रात को घर चले जाना है तो उसका देखें कि वो एक दिन कट वाला ऑपरेशन करवा के उसने 3 दिन हॉस्पिटल में रहना है, तो वो चार्जेस तो समझ लेंगे उसमें भी फिर उतना ही हो जाते हैं। तो इसमें कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है कि आप पेशेंट कट के बगैर हुआ है, बंदा अगले दिन अपने काम पे जा रहा है, अपनी प्रोडक्टिव लाइफ गुजार रहा है, तो मैं इसको नहीं कहूंगा कि ये कॉस्टली है, ये दिस इज अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर। तो सर आरआईआरएस के बाद कितनी देर तक मरीज को मेडिसिन पे रखा जाता है? कोई जरूरत नहीं, उसके एंटीबायोटिक दें 4 से 5 दिन और स्टेंट निकाल दें 2 हफ्ते के अंदर अंदर, और उसके बाद कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप उसको एहतियात बताएं कि आप पानी ज्यादा पिए और जो स्टोन प्रिवेंशन की एहतियात है वो करें, बस स्टोन दोबारा ना बने। क्या एहतियात आप बताते हैं? उसमें सबसे कॉमन जो एहतियात है जो याद रखने वाली है, पानी ज्यादा, सर्दियां गर्मियां पानी ज्यादा पिए, ऑफिस में जहाँ पे भी आप अपना पानी साथ रखें, बाकी फिजिकल आप एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें डेली, और स्मोकिंग से परहेज करें, बाकी जो चीजें हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जिसमें ज्यादा होता है, फास्ट फूड, इन चीजों से परहेज करें। सर पथरी के मरीजों के लिए आपका पैगाम क्या है? पथरी के मरीजों को ये इलाज है कि आजकल हर चीज के अंदर इतनी जिद्दत आ चुकी है इलाज के अंदर, खासतौर पर लेजर की वजह से, तो पथरी अगर है भी सही तो इसमें आप मुस्तनद डॉक्टर से, आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप फौरन ऑनलाइन मशवरा लें और उसके इलाज की तरफ जाएं, ना कि आप टोटकों शोटकों के ऊपर रह के 6 महीने तक उसको ज्यादा पेचीदा कर दें। अगर दोनों तरफ स्टोन है वो फंस के तो हमारे पास गुर्दे फेलियर के साथ पेशेंट आ जाते हैं, फिर तो कर भी कुछ नहीं सकते। मेरा यही पैगाम है कि इसकी जो ही डायग्नोज हो तो इसको पता लगे कि दर्द हो रही है गुर्दे की, तो फौरन जेन के अंदर होना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर अल्ट्रासाउंड किसी मुस्तनद जगह से नहीं मिल रहा तो आप नेट से एक्सप्लोर करके उसको अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चेक करवा के, अल्ट्रासाउंड करवा के डॉक्टर को चेक करवाएं और इसका इलाज तजवीज करवाएं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।